जो कि हम करना है ग्राफिकल मेथड से. सो एग्जांपल है x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो. तो ये हमारे पास दो इक्वेशनें हैं. तो पहली इक्वेशन को लेके हम चलते हैं. फ्रॉम फर्स्ट वी हैव x इक्वल टू माइनस वन और माइनस वाई है, दोनों को ट्रांसपोज करेंगे बनेगा वन प्लस वाई. अब हम इस इक्वेशन का टेबल बना लेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे. जब हम y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास x वन आएगा. जब y की वैल्यू वन लगाएंगे वन प्लस वन टू आ जाएगा x. तो जब y की वैल्यू माइनस वन लगाएंगे तो माइनस वन प्लस वन आ जाएगा जीरो. तो फिर इसका हम दूसरी इक्वेशन का ग्राफ निकाल लेते हैं. दूसरी इक्वेशन का हम पहले टेबल बना के सोल्यूशन निकालते हैं. दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो. सो ये बन जाएगी x इक्वल टू माइनस टू प्लस वाई. इसका भी अगर टेबल बनाया जाए, सोल्यूशन निकाल जाए, दो से ज़्यादा तीन निकालते हैं. सो जीरो लगाने से y की वैल्यू माइनस टू आ जाएगा x, वन लगाने से माइनस वन आ जाएगा x, और टू लगाने से टू माइनस टू जीरो आ जाएगा. अगर हम पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ बाय वैल्यूज लगाएंगे यहाँ पर, तो पहली वाली इक्वेशन का वैल्यू आएगा जीरो वन, फिर आएगा आपका है टू वन, और तीसरा वैल्यू है जीरो माइनस वन. जीरो माइनस वन, ये आपका जीरो माइनस वन. तीनों को जोड़ेंगे तो ये लाइन बन जाएगी. ये किसकी लाइन है? यह है इक्वेशन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो का. अगर इन वैल्यूज को हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो आएगा जीरो माइनस टू, पहला वाला हमारा आ जाएगा माइनस टू जीरो, उसके बाद माइनस वन वन, माइनस वन और वन, उसके बाद माइनस वन वन, ये आपका आ जाएगा, और तीसरा आपका है जीरो टू जीरो टू. इनको जोड़ने से ये वाली लाइन बन जाएगी. तो आप देख लीजिए दोनों लाइंस पैरेलल आ रही है. इसका मतलब इस वाले सॉल्यूशन का जो लाइंस है वो पैरेलल आ रही है. पैरेलल का मतलब है इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन. दैट मींस इसका सॉल्यूशन नहीं है. जब किसी का सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस. तो ये है हमारे पास इनकंसिस्टेंट वाला. तो पहला जो आपने किया था उसमें एक सॉल्यूशन आया था, वो कंसिस्टेंट हो गया. तो अब एग्जांपल तीसरा थर्ड ले लेते हैं. तो एग्जांपल थर्ड हम लेते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, और दूसरी है माइनस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो. तो पहली वाली इक्वेशन का अगर हम टेबल बना लेते हैं, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हमारे पास x इक्वल टू वन प्लस वाई, जीरो लगाने से आपका x वन आ जाएगा, वन लगाने से y आपका x टू आ जाएगा, और माइनस वन लगाने से x की वैल्यू जीरो आ जाएगी. फिर अगर सेकेंड को ले लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड वी हैव y इज इक्वल टू प्लस टू है तो माइनस टू, माइनस टू एक्स है तो प्लस टू एक्स, और इसके साथ y के साथ टू है तो वो डिवाइड में चला जाएगा. इसका सोल्यूशन निकालते हैं. तो अगर हम x की वैल्यू जीरो लगा दिया जाए तो y की वैल्यू आपके पास माइनस वन आएगी. अगर हम 1 लगाएंगे, 1 टू ज़ा 2 माइनस 2 0 अपॉन 2, तो y 0 आ जाएगा. लेकिन अगर हम 2 लगाएंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 में से 2 निकालेंगे, 2 अपॉन 2, तो 1 आ जाएगा. अब इन दोनों लाइंस का ग्राफ, सॉल्यूशंस का ग्राफ बना लेते हैं. पहले फर्स्ट का बनाएंगे तो आपके पास इस तरफ का ग्राफ आएगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा. दैट इज आपके पास 1 0, उसके बाद 2 1, और उसके बाद 0 माइनस 1. तीनों पॉइंट्स को जोड़ने से आपके पास ये है 1 0, ये है आपके पास 0 माइनस 1, और ये है आपके पास 2 1. तो इन तीनों का 1 0, 0 माइनस 1 और 2 1 का जोड़ने से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है. और दूसरे देखिए, दूसरा भी सेम ही है, 0 माइनस 1 दूसरी लाइन का, 1 0 और 2 1, तो इसका भी ग्राफ सेम ही बनेगा. दैट मीन्स दूसरे का जब बनाएंगे लाइन तो वो उसको बिल्कुल ओवरलैप करेगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे. इसका मतलब दोनों का ग्राफ जो आया वो कोइंसाइड कर गए, ओवरलैप कर गए, कोइंसाइड कर गए. दैट मीन्स कोइंसिडेंट हो गया. तो जब ये कोइंसिडेंट हो गया, इसका मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशंस हैं? तो हमारे पास इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ गए, मैनी सॉल्यूशंस आ गए. तो जब जिसके पास सॉल्यूशन होता है इसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस. तो ये वाला भी आपके पास कंसिस्टेंट आ गया. तो दैट मीन्स आपके पास दो कंसिस्टेंट आ गए, एक जिसमें लाइंस इंटरसेक्ट करती है उसमें वन सॉल्यूशन आता है, और दूसरा जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है
एक लाइन दूसरे के कोइंसाइड कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है, वो दोनों कंसिस्टेंट है। और तीसरा जो है वो है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में क्योंकि वो दोनों लाइंस पैरेलल जाती है, कहीं मिलती नहीं है, दैट मींस वी हैव नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन की वजह से वो इनकंसिस्टेंट कहलाती है।